आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हमने पूछा कि कौन हो तुम लोग? सरकार साहब का नाम सुना है तुमने? चलो। नहीं, रुको। उसके आदमी सुन लेंगे तो सब मारे जाओगे। बाजार जाकर अनाज लेकर आओ और इनको अनाज देते रहो। ये सरकार साहब है? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। तुमने अपना चेहरा तो छुपा लिया लेकिन अपने हाथ का तिल नहीं छुपा पाए। चलो अब नीचे उतरो और सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाओ। नीचे उतरो। क्यों बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? सब कुछ तो था तुम्हारे पास। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मारा जाएगा। इसने हमें बर्बाद कर दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसे हम खुद सजा देंगे। मारो इसे। रुक जाओ। ये कौन सा तरीका है फैसला करने का? ये लड़की चोर है, इसने हमारे घर में डाका डाला है। नहीं, इसी धन से इसे मेरे बूढ़े बाप का इलाज करवाया है। इसने मेरे बहू के सोने के सिक्के चुराए हैं। इसी धन से मेरे बच्चों को दो वक्त की रोटी दी है इसने। हाँ, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और जमींदार साहब हमसे दुगना लगान वसूल करना चाहते हैं। एक तरफ बाप हमारा घर चुराता है, दूसरी तरफ बेटी हमारा घर बसाती है। हमें कुछ नहीं सुनना, ये बस्ती का लुटेरा है। इसे हमारे हवाले कर दो वरना तुम भी मारे जाओगे। ठीक है, मार डालो हमें। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मरो। रुक जाओ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अनुसूया या इन लोगों को छुआ तो उसे मेरा सामना करना होगा। आप इस उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को सोने के सिक्कों में तोल रहे,
है गरीब, लगान भरने के लिए उसी उम्र में मेहनत कर रहे हैं। आपकी बेटी को सोने की चम्मचें दी जा रही है। इन लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने का वक्त नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपनी गांव की यह हालत जानने के बाद भी आप लोग खुशियां लुटा रहे हो। चोर वो नहीं, चोर तो आप लोगों। महाराज पृथ्वीराज चौहान की। इस तरह कहाँ घुसे जा रहे हो? जमींदार जी घर पे नहीं है। हम खुद देख लेंगे। नहीं, पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? महाराज घर पर नहीं है, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ठीक है, हम यही इंतजार कर लेते हैं। जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जा कहाँ रहे हो? पर्वतगढ़, वहां पे एक सरगोशी झरना है, बस वही मेरी मंजिल। क्या मांगने जा रहे हो? इस इलाके में सभी जानते हैं सरगोशी झरने पे जो मांगो मिलता है। दिल्ली के महाराज को किस चीज की जरूरत पड़ गई? है एक सिद्धि राजकुमारी। उसका नाम क्या है? जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली। हमने आपसे पहले भी कहा था, ये आपका महल नहीं है। हमें यहाँ एक राजकुमारी नहीं, गुरु माँ की जरूरत है। सब बच्चे इंतजार कर रहे थे और आप बच्चों की तरह हमारे ही साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आपसे ये जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। आपको किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने और अपनी जिंदगी के बारे में दिन रात सोच सकती हैं आप। शाम तक हमें अपना फैसला बता दीजिएगा। गुरु माँ, हमें माफ कर दीजिए। नहीं, इसमें तुम बच्चों की कोई गलती नहीं, हम ही तुम्हें समझ नहीं पाए। गुरु माँ, ये हमारी ही गलती थी, सच्ची। बस बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। इतने शैतान बच्चे आज तक हमने कहीं नहीं देखे। अब तुम्हारी किसी भी बात पे हमें यकीन नहीं है। हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। बड़े गुरुजी, अब हम भी यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तभी यहां से चले जाएंगे जब इन बच्चों को हम सबक सिखाएंगे। बहुत इंतजार करवाया है तुम सबने। कौन हो तुम लोग? हमने पूछा कि कौन हो तुम लोग? सरकार साहब का नाम सुना है तुमने? हाँ।
अब बता पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? छोड़ दो ने। मैं बताती हूँ। वो अभी उत्तर दिशा की ओर करावत पर्वत के पास माता के मंदिर के लिए निकले हैं। अच्छी बात है, चलो। जी, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, पियो। हम सब इस तरह डरे छुपे सरकार साहब का जुल्म सहते रहेंगे? जब तक सहेंगे उसका जुल्म बढ़ता ही जाएगा। हाँ, अब किसी ना किसी को तो उसके खिलाफ कदम उठाना ही पड़ेगा। चलो। नहीं, रुको। उसके आदमी सुन लेंगे तो सब मारे जाओगे। बाजार जाकर अनाज लेकर आओ और इनको अनाज देते रहो। ये सरकार साहब है? मार मार मुझे मार। अब देख मैं कैसे मारता हूँ। दिखाओ। हिम्मत है तो खोलो। चलो, जब तक पृथ्वी नहीं आ जाता हम ये खेल तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। चलो। पृथ्वी के आते ही तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। या फिर तुम्हारा। <laughs>
वैसे हमें तुम्हारी हिम्मत की ताद देनी पड़ेगी। वैसे ये खेल पृथ्वी के सामने खेला जाए तो बड़ा मजा आएगा। बस एक बार तो मिल जाओ पृथ्वी, फिर देखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।